अज्ञान तविरन्दस्य ज्ञानन्जन शलकया चक्षुरुन्मिलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्यमनोविष्टं स्थापितं श्री अ, श्री अद्वैत कदाधर श्री चैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासति कौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अभी कुछ ही दिन पहले हमने श्री गुरु गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया व्यास पूर्णिमा जिस दिन विश्व के जितने भी संप्रदाय हैं सारे संप्रदाय अपने गुरु का पूजन करते हैं भले उनका जन्मदिन हो या ना हो गुरु पूर्णिमा को सभी साधक सभी मुमुक्षु जीव गुरु जी को प्रणाम करते हैं उनको वंदन करते हैं उनका गौरव करते हैं उनके ऋण को अनुभव अनुभूति प्राप्त करते हैं ऋण का अनुभव करते हैं हमारी साधना के जीवन में हम जब करते हैं कभी कभी बत्तीस माला भी करते हैं ज्यादा माला भी कभी करते हैं सब लोग शास्त्र पढ़ते हैं और बहुत लोग शास्त्र में पारंगत हो जाते हैं शास्त्र के विद्वान बन जाते हैं उसके ऊपर बहुत लोग भगवान की विग्रहों की पूजा करते हैं नित्य रूप से अतिशय उत्कृष्ट पद्धति से भगवान के विग्रहों को पूजित करते हैं उसके बाद दान करते हैं भगवान के लिए भगवान के काम के लिए अपने धन का हिस्सा दे देते हैं कुछ लोग बहुत बड़े दानी होते हैं हमारी कल्पना के बाहर दान करते रहते हैं और फिर बाकी लोग तीर्थ यात्रा करते हैं कुछ लोग छोड़ के तीर्थ में ही स्थित हो जाते हैं ऐसे और अनेक प्रकार के साधन हैं जो हम करते रहते हैं और हम सब क्यों करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सब करने से अच्छी तरह से करने से अच्छी मात्रा में करने से भगवान की प्राप्ति होगी लेकिन एक ऐसा मुद्दा है कि ये सब करने पर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती उसके बीच में एक की फैक्टर है वो की फैक्टर है गुरु की कृपा इतना सारा ऐश्वर्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि उसमें गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होता है गुरु की संतुष्टि नहीं की जाती है गुरु की आज्ञा गुरु की वाणी गुरु का शब्द इतना महत्वपूर्ण तो है कि सब कुछ करने पर भी अगर वो गुरु का शब्द गुरु की वाणी अगर हम जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं उसको जीवन का सर्वस्व नहीं मानते हैं उसको सबसे बड़ी प्रधानता जीवन में नहीं देते हैं तो इतनी सारी आध्यात्मिक क्रियाएं करने के बाद भी जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं वो वो भगवान का दर्शन उसमें प्राप्त नहीं होता है और इसके विपरीत अगर कोई गुंगा है तो वो गुरु की आज्ञा पालन करके पर्वत को पार कर सकता है नहीं वेदों को बोल सकता है अगर कोई लगड़ा है तो गुरु की आज्ञा से पर्वत को पार कर सकता है विपरीत का अर्थ क्या हुआ कि अगर शास्त्र पढ़ा भी नहीं होगा अनंत काल जब भी नहीं किया होगा यात्रा दान धर्म नहीं किया होगा विग्रहों की सेवा नहीं की होगी फिर भी अगर गुरु की आज्ञा से अगर वो एक रूप है जैसे वो दक्षिण भारत का ब्राह्मण जिसके पास चैतन्य महाप्रभु गए थे उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था वो अनपढ़ था उसको वो तो किताब भी उल्टी पकड़ के बैठा था लेकिन गुरु जी ने कहा था कि मुझे आपको भगवत गीता रोज पढ़नी है तो गुरु जी की आज्ञा पालन करने की जो तीव्र इच्छा थी उसके अंदर उसकी प्रामाणिकता के कारण उन्हें स्वयं भगवान का दर्शन हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो गुरु की आज्ञा पालन करना एक बात है और गुरु की आज्ञा पालन न कर सकना ये दूसरी बात है हो सकता है लेकिन गुरु की आज्ञा पालन की इच्छा दृढ़ मन में बनाए रखना बहुत आवश्यक है हो सकता है कि बहुत सारी गुरु की आज्ञाएं हम इस जीवन में शायद नहीं कर पाएंगे जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु जी ने उम्र के बहुत ही युवा अवस्था में आज्ञा दी थी सब कुछ छोड़कर विदेश जाओ और तीस पैंतीस साल तक वो उन आज्ञा को पालन नहीं कर पाएंगे लेकिन विशेष बात क्या है उस गुरु की आज्ञा की आज्ञा की आज्ञा को पालन करने का जो निश्चय है जो चिंतन है वो उनका बहुत सालों तक गहराई में चलता रहा मन में कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं करू, करना चाहता हूं कैसे करूं और फिर एक दिन वो चिंतन का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा का पालन ऐसे गौरवपूर्णता से किया कि आज भी सत्तर साल के बाद भी लोग उनको याद करते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने किया वो किसी भी आचार्य ने आज तक नहीं किया तो हमें देखना यह है कि गुरु की आज्ञा भले सीधी सादी हो सिंपल हो पालन करने में आसान हो या गुरु की आज्ञा बहुत कठिन हो जैसे प्रभु जी को ऐसा मिशन दिया गया था बहुत कठिन दोनों ही स्थिति में शिष्य को वो आज्ञा की पालन करने की जो इच्छा है वो बनाए रखनी चाहिए वो सबसे बड़ी शक्तिशाली वस्तु है जब हम गुरु जी की आज्ञा की पालन करने की इच्छा रखते हैं मन में वो कुछ भी योग्यता क्वालिफिकेशन ना होते हुए भी हमें भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं ऐसी गुरु की महिमा है और सब लोगों को ध्यान में रखना है कि इस गुरु की महिमा को भगवान भी वंदन करते हैं भगवान भी हमारे हमारे आध्यात्मिक उन्नतियों को और प्राप्तियों को फल नहीं देते जब तक वो उनके शुद्ध भक्त श्री गुरु महाराज के आज्ञाओं का पालन हमारे अंदर नहीं देखते हैं तो हमारा वक्तव्य हमारा पंडित होने का स्थिति विद्वत्ता सब कुछ व्यर्थ है क्योंकि तो गुरु जी ने गुरु जी के लिए भगवान ने शिष्य के जीवन को उन्नत करने के लिए जो भी रहस्यमय शक्तियां दे दी हैं वो सब गुरु जी की आज्ञा पालन में और गुरु जी की संतुष्टि में विराजमान है तो आइए हम सब लोग इस चतुर्मास से जो गुरु पूर्णिमा से आरंभ होता है इसमें यही चिंतन करें हमें गुरु जी की आज्ञा पालन करना है आज्ञा पालन करने के पहले भी प्रयत्न करना है पालन करने का उसके पहले भी उसको पालन करने की इच्छा को दृढ़ करना है कि मुझे ये पालन करने की इच्छा परवरिश करनी है कल्टीवेट करनी है ऐसे श्री गुरुदेव की महिमा है और प्रत्येक व्यक्ति को जो भी गुरु प्राप्त होते हैं उन्हीं के ही माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है और कहीं और भटककर और बड़ी बड़ी चीजें करने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं भगवान बड़े विशिष्ट हैं और वो अपने शुद्ध भक्त की इच्छाओं को पूर्ण होते हुए देखते हैं तो उस भक्त पर कृपा करते हैं आरे कृष्णा, आरे कृष्णा, आरे कृष्णा, आरे कृष्णा, आरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू वेरी मच हरी बोल